कुछ लोग जो खरीदारी के लिए जाते थे और वहाँ पे जाने के बाद पेमेंट के लिए उनका कार्ड इस्तेमाल करते थे। ऐसे कुछ लोगों से धोखाधड़ी या उनकी चीटिंग होने की बातें सामने आ रही थी। इसी पे क्राइम ब्रांच 9 मुंबई ये काम कर रही थी और इसी इन्वेस्टिगेशन में, इसी इंक्वायरी में कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनसे भी संपर्क किया गया था और उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेके आगे हम काम कर रहे थे। इसी दरमियान HDFC बैंक के डिप्टी मैनेजर हैं, उनसे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली जिसके तहत मुंबई में अंधेरी का इलाका है, यहाँ पे सरदार जी मैगो नाम से एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे काफ़ी लोगों के इस तरह से ATM से पैसा निकालने की वारदात घटी है, इस तरह की बात सामने आई थी, जिसके तहत अपराध दर्ज करने के बाद यूनिट 9 क्राइम ब्रांच के PI नंद कुमार गोपाले और उनकी टीम, इन्होंने वहाँ पे विजिट किया। विजिट में पता चला कि जो संशय था, मैनेजर जो वहाँ पे काम कर रहा था, उसको कुछ दिन पहले उसके मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन अभी भी इसी तरह के वारदात में या अपराध में लिप्त इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी, जिसके तहत एक रेड का आयोजन किया गया था। 3 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया था, जिसमें जो मैनेजर था उसका नाम था यशवंत राजेश गुप्ता, साथ में उसके और 2 साथीदार थे जिनका नाम था अजरुद्दीन अंसारी और इश्तियाक अहमद खान, तीनों भी मुंबई के रहने वाले थे। इन तीनों को जब हमने अरेस्ट किया तो अरेस्ट करने के बाद में उनसे एक स्कीमर 9 मैग्नेटिक स्ट्रिप के कार्ड्स, साथ में 7 डेबिट कार्ड, मोबाइल्स और कैश रिकवर किए गए थे। उनके इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इनका मास्टरमाइंड जो है, जो मुंबई का ही रहने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद फैज़ कमर हुसैन चौधरी है, और यह पूरा इसका मास्टरमाइंड होके इसको गिरोह को चलाता है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन पे उसको भी हिरासत में लिया, उसको भी अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद आगे के इन्वेस्टिगेशन में टोटल हमने उसके बाद पूना से और मुंबई से ऐसे मिला के करीबन 8 लोगों को आज की तारीख में अरेस्ट किया है। इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन में इस तरह से पता चला है कि मोहम्मद फैज़ चौधरी ये इसका मास्टरमाइंड है। इसके पहले मुंबई में कम से कम 2 से ज़्यादा उस पर अपराध दर्ज है और इसी तरह के अपराध उसने किए हैं। वह अलग अलग बिजनेस के इस्टेब्लिशमेंट्स है, यहाँ पे अपने संपर्क के माध्यम से, अपने एजेंट के माध्यम से वहाँ के काम करने वाले मैनेजर और अन्य लोगों को गुमराह करके लालच दिखा के पैसों का उनको स्कीमर देता था। वहाँ पे काम करने वाले, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले जो मैनेजर थे, जो वेटर और अन्य लोग थे, यह स्कीमर के माध्यम से जो आम पब्लिक थे, जो ऑनलाइन या पेमेंट अपने कार्ड से कर रही थी, उनके नज़र चुकाते हुए मशीन में स्कैप करने के बाद या उसके पहले उनके पास होने वाले छोटे स्कीमर में उस कार्ड का डेटा कॉपी करते थे। साथ में वो जो आम आदमी है जो अपना पिन इस्तेमाल करता था उसको भी देखते थे, और दोनों चीज़ें उस रात के बाद एजेंट के माध्यम से फैज़ को दी जाती थी। फैज़ यह डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी करता था, कॉपी करने के बाद में इस कॉपी किए हुए डेटा को आगे मैग्नेटिक कार्ड राइटर या रीडर के माध्यम से मैग्नेटिक स्ट्रिप होने वाले कार्ड पे उतारा जाता था, और यह कार्ड अपने अन्य एजेंट को देकर, उसके साथ में पिन देकर पूना, सातारा और सांगली, इस तरह से अलग अलग जगह पे भेज के वहाँ से ATM से पैसा विड्रॉ किया जाता था। इनके पूरे मॉडल में ये पता चला है कि जो होटल में या अन्य जगह पे काम करने वाले मैनेजर या वेटर या अन्य लोग थे, उनको एक कार्ड के इंफॉर्मेशन के लिए 500 रुपये दिए जाते थे, तो जो एजेंट उसके मुंबई के बाहर जाके ATM के माध्यम से इस तरह से पैसे निकालते थे, उनको कुल राशि के 10% उनको मिलता था। इस तरह से पूरा गैंग एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट की तरह काम करता था। इसमें अब तक के 3 इस्टेब्लिशमेंट, जो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चली है, जिसमें अंधेरी में सरदार जी मैगो नाम का रेस्टोरेंट है।